आज मुँ आप पोटल आ सोयाबीन ने गोटे नुआ प्रकार तरकारी बनेबी। जदि आपण गोटे प्रकार पोटल तरकारी खाई बोर हो गले तेल आपण ये नुआ प्रकार पोटल आ सोयाबीन तरकारी बन कि भात और रुटी सहित खाई देखु। नमस्कार प्रियास किचन आपण समस्त बहुत बहुत स्वागत। जदि आपण को यही पोटल तरकारी रेसीपी पसंद आसो तेल को लाइक करेंगे आपण सांग सहित सेयार करेंगे। तेल चलतु रेसीपीटी स्टार्ट करने पोटल सोयाबीन आलू तरकारी बनाने मुझे कड़े में किसी सोरिष तेल को देखिए गरम कर तेल भल भाव गरम हो गला दुटा मीडियम सैज्र आलुर ऊपर चोपा को छड़े की आलू को एमती टी बड़ बड़ खंड कर आलू को देदे। प्रथम आम तेल आलू को भाजवा मीडियम टू हाई फ्लेम रे 4-5 मिनट पर्यंत आपको भाजवा जमी आलू टी लाइट गोल्डन ब्राउन कलर हो भाजी आलू ये भल भाव भाजी गला आम आलू को गोटे प्लेट को काढ़ीदे। एबे आमे सेम तेल रे पोटल को भाजवा मुझे 7-8 पोटल नहीं पोटल को टिके बड़ बड़ खंड कर पोटल को मझीर एमती टी खंड तेरछा कर तेल गरम अच्छी एमें काटिक रखि पोटल को देदे। एबे आमे पोटल स्वाद अनुजाई लुण पकेबा आ अधा छोट चमच हलदी गुंड पकेबा सबको भल भाव मिक्स करके पोटल को लाइट गोल्डन ब्राउन कलर होगा पर्यंत भाजवा। पोटल ये भल भाव भाजी गला पोटल को एबे गोटे प्लेट को काढ़ी नेबा। एबे देखि पार्थिबे कड़ी में किसी भी तेल बंचिनि सोयाबीन को भाजापी मुझे आउ किसी सोरिष तेल को देखिए गरम कर नौची। तेल भल भाव गरम हो गला मुझे 100 ग्राम बड़ सोयाबीन को सीझेक नहीं चाहिए छोट सोयाबीन नहीं पारे। सोयाबीन को सीझेला बेले गोटे रु दुई थर ताक धोईकी भलसे चिपुड़ी नहीं आम तेल सोयाबीन को देदे। सोयाबीन को आम मीडियम फ्लेम 3-4 मिनट पर्यंत भाजवा आपड़ चाहिए सोयाबीन को तेल में न भाजी सेमती भी तरकारी पकई पारे। सोयाबीन ये भल भाव भाजी गला आम सोयाबीन को गोटे प्लेट को काढ़ीदे। एबे सेम कड़े तरकारी बनेबी से किसी सोरिष तेल को देखिए गरम कर नौची। आपड़ चाहिए सोरिष तेल जगार रिफाइन तेल यूज करें। तेल भल भाव गरम हो गला आम ए गोटे तेजपत्र खंडे डालचीनी आउ दुटा गुजराती देवा आउ हालका टिके 5-10 सेकेंड भाजने तापर एज देवा मुझे गोटे मीडियम सैज्र पिज को छोट छोट कर एबे आमे पियाज को भाजिबा। पियाज भल भाव लाइट गोल्डन ब्राउन कलर हो भाजी गला परे आमे गैस टा फ्लेम को लो कर देबा आउ एथिरे देबा अधा छोट चमच हलदी गुंड आउ लंका गुंड मुझे काश्मीर लंका गुंड यूज करछी। आपण जेतिकी राग खाउथिबे से हिसाब रे एथिरे लंका गुंड पकेबे। काश्मीर लंका गुंड रे बेसी राग न थाए कलर टिके आसी थाए। एबे आमे सबको भल भाव मिक्स करके 20-30 सेकेंड पर्यंत फ्राए करिबा। आपण आको अधिक समय पे फ्राए करिबेनी नले लंका गुंडटा पोड़ी जिवो। 20-30 सेकेंड पर आमे एथिरे 2 बड़ चम्मच अदा रसुण बटा को देबा आ सबको भल भाव मिक्स करके आको कसिबा। मसला एठी भल भाव कसी गलानी अदा रसुणर कंचा बासना मध्ये पळेइछि। एबे आमे एथिरे टमाटो देबा मुझे गोटे मीडियम साइज टमाटो को बाटिकी नहीं चाहिए काटिकी भी नहीं पारे। एबे सब को भल भाव मिक्स करके गोटे छोट चामच दे देबा धनिया गुंड गोटे छोट चामच दे देबा मीट मसला। मीट मसला जगह आपड़ चिकेन मसला बा किसी भी सब्जी मसला पकई पारे। एबे आमे एथिरे गोटे छोट चामच कस्तूरी मेथी दे देबा कस्तूरी मेथी टी ऑप्शनल अछि। सब को भल भाव मिक्स करके आमे मसला को भलसे कसिबा जमी मसलार कंचा बासना पड़ेब। देखो मसला एकदम ड्राई होती मुझे अल्प टिके पा को देखिए भल भाव गोल लो फ्लेम 3-4 मिनट पर्यंत कभर कर नौ 2-3 मिनिट पर कभर करने जेहेतु आलू टिके सीझे को टाइम लगी थाए से आम ए स्टेज रे आलू को पकईदे। मसला कसवा सहित आलू भी 70-80% सीझीज। एबे एथिरे अल्प टिके पा देखिए कभर करके लो फ्लेम 3-4 मिनिट पर्यंत कसिबा। तीन रु 4 मिनिट पर कभर करने मसला ये भल भाव कषी गला मसलार तेल भी छाड़ आरंभ कला। एबे ये आम भाजिकी रखि पोटल आ सोयाबीन को देदे तापर से अल्प टिके पा मुझे जहाद्वारा मसला आम तलु लगे सबको भल भाव मिक्स करके मसला सहित पोटल आलू आ सोयाबीन को 5-7 मिनिट पर्यंत कभर करके कषा आलू जेपर्यंत आम 90% सीझी न जा
आपण चाहिए बिना कभर भी आपको कषि पारे एमती कषिबा द्वारा तरकारी टेस्ट बहुत भल आए ये पाँच रु छ मिनिट हो गला कभर का नौ एबे आम तरकारी पा दे मन रखिए गरम पा देवे थंडा पा दे थंडा पा दबा द्वारा तरकारी टेस्ट बेस भल आसी न थाए आपन को जी ग्रेवी दरकार अधिक पा दे कारण सोयाबीन किसी पा को सोप कर स्वाद अनुसार लुण पकईवा आपत देखिकी लुण पकेबे कारण आम पोट भाजला बेले से लुण पकईचे एतिक बेले ही आम कटा धनियापत्र आ गरम मसला गुंड पकईवा आपड़ चाहिए लास्ट भी कटा धनियापत्र आ गरम मसला गुंड पकई पारे कि स्टेज पकईकी के देखूँ बहुत बढ़िया टेस्ट आसो एमें सबको भल भाव मिक्स करके आम तरकारी को मीडियम टू हाई फ्लेम रे 6 रु 7 मिनिट पर्यंत कुक होगापी देवा जमी पोट आलू भल भाव सीझीज ये 6 रु 7 मिनिट हो गला तरकारी ये भल भाव फुटी जाए सबको भल भाव मिक्स करके गैस को बंद करने पोटल सोयाबीन आलू तरकारी एबे रेडी जाइछि आकु एबे गोटे सर्विंग बाउल को काढ़ी नेबा आपण ए तरकारी को भात रुटी परटा कि पूरी सहित भी खाई परिबे जदि आपण को मोर ए पोटल आलू सोयाबीन तरकारी रेसीपी पसंद आसे ताले को लाइक करिबे आपण को संग मानक सहित शेयर करिबे जदि मो चैनल को एपंत सब्सक्राइब करनाती ताले सब्सक्राइब करबा को जमार भी भूलिबेनी पुनी आसीबी नो एक रेसीपी नेकी से पर्यंत रहिली लव यू ऑल जय जगन्नाथ।